अस्सलाम वालेकुम। नारियल की बर्फी यानी कोकोनट बर्फी किसको पसंद नहीं होती है? देखिए, नारियल की बर्फी हमारी कितनी यमी लग रही है और खाने में बहुत बहुत ज्यादा मजे। ये सिंपल, इजी और टेस्टी कोकोनट बर्फी बनाना अब हम शुरू करते हैं। ये मजेदार नारियल की बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए नारियल। यहाँ पर मैं कच्चा नारियल यूज कर रही हूँ। इसका जो शेल है वो निकाल दें। निकालने के बाद इसके ऊपर का जो छिलका होता है वो भी निकालना होगा हमें, ये छिलका। मैं यहाँ पर दो नारियल यूज कर रही हूँ। देखिए इस तरह से निकालते जाइए। इस तरह से स्किन निकालने के बाद नेक्स्ट हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। ग्रेट किया हुआ नारियल तो अब तैयार है। इसे फिर से हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, बहुत ज्यादा पेस्ट की तरह ना करें, बस हल्का सा ग्राइंड कर लें, यानी दरदरा सा, तभी बर्फी हमारी परफेक्ट बनेगी। दरदरा सा पिसा हुआ नारियल अब तैयार है। देखिए इस तरह होना चाहिए। बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। नारियल की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून घी गरम कर लें। घी मेल्ट हो चुका है, इसे बहुत ज्यादा गर्म ना करें। नेक्स्ट हम इसमें ये ग्रेट किया हुआ और पिसा हुआ नारियल डाल देते हैं। इसे डाल के इसे हल्का सा भून लें। फ्लेम को लो पे रखिए। 1 मिनट के लिए भूनने के बाद हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क यानी मिल्क मेड डाल देते हैं। यहाँ पर 200 ग्राम है, मैं सिर्फ 150 ग्राम यानी 150 ग्राम डाल रही हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो बाद में ऐड करेंगे हम। इसे डाल के फिर से मिक्स कर लें। चलिए बाकी का कंडेंस मिल्क भी डाल देते हैं। इसे ऐसे ही पकाते रहिए। बहुत ही इजी और सिंपल नारियल की बर्फी की रेसिपी है, बहुत ज्यादा झटपट बनने वाली। बस नारियल को ग्रेट करने के लिए ही थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। इसे कुक करना बहुत इजी और सिंपल है। ये सेट होने की कंसिस्टेंसी आने तक इसे हमें ऐसे ही पकाते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखिए, वरना ये जल जाएगा अगर आप फ्लेम हाई पे रखेंगे तो। ये तो अच्छे से तैयार है। आखिर में हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देते हैं अच्छे खुशबू के लिए। इसे भी मिक्स कर लें। एक प्लेट को थोड़े से घी के साथ ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद ये मिक्सचर इसमें डाल दें। डाल के इसे हमें अच्छे से सेट करना होगा। इसे एक स्क्वायर शेप दे दें, शेप्स कट करने में आसानी हो जाएगी। इसको इस तरह से शेप देने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल दें। पिस्ता डालने के बाद धीरे से इसे प्रेस कर दें। चलिए ये तो रेडी है, नेक्स्ट हम इसको कट कर लेते हैं। आपको जितनी साइज की बर्फी चाहिए उतने साइज की आप कट कर लें। इस तरह कट करने के बाद फिर से टर्न करके कट कर लें।
इस तरह से कट करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक ये सेट हो जाएगा। देखिए नारियल की बर्फी हमारी कितनी यमी लग रही है और खाने में बहुत बहुत ज्यादा मजे की होती है ये। आप चाहें तो इसके थोड़े छोटे पीसेस भी कट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। कमेंट में जरूर बताएं कोकोनट बर्फी आपको कैसी लगी। चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ऐसे ही मजेदार वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन के लिए। शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, लाइक जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।